लिंकिंग नंबर में जो चेंज हुआ, अगर हम इसे ओरिजिनल लिंकिंग नंबर जो रिलैक्स्ड स्टेट में है इसको एल के नॉट के रूप में इंडिकेट करें, और जो चेंज लिंकिंग नंबर है उसे एल के से इंडिकेट करें, तो जो चेंजिंग लिंकिंग नंबर हुआ डेल्टा एल के, इसे हम लिंकिंग नंबर एल के माइनस एल के नॉट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू बता देगा कि लिंकिंग नंबर जो चेंज हुआ है, इस चेंज लिंकिंग नंबर से हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग समझ सकते हैं। और इस चेंज लिंकिंग नंबर डेल्टा एल के अपॉन ओरिजिनल लिंकिंग नंबर यदि लिखें, तो इस रेशियो से हम सुपर हेलिकल डेंसिटी सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सुपर हेलिकल डेंसिटी का जो फार्मूला है वो चेंज लिंकिंग नंबर अपॉन ओरिजिनल लिंकिंग नंबर है। सर्कुलर डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स आर यूजुअली निगेटिवली सुपर कॉइल्ड हैविंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा अबाउट 0.-0.06। ये वैल्यू होता है बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स के सर्कुलर डीएनए का। इथिडियम ब्रोमाइड ETBR जिसे हम इंडिकेट करते हैं, इसका क्या रोल है? तो हम जानते हैं कि ETBR एक मल्टी रिंग्ड एरोमेटिक फ्लोरोसेंट डाई है। जो कि डीएनए को स्टेन कर सकता है। जब डीएनए को विजुअलाइज करना रहता है तो हम इसी इथिडियम ब्रोमाइड केमिकल से उसे स्टेन करते हैं, जो कि फ्लोरोसेंट नेचर का है। ये एरोमेटिक है और बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम इसे मल्टी रिंग कह रहे हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इस इथिडियम ब्रोमाइड का लिंकिंग नंबर या ट्विस्ट नंबर या रिथ नंबर से क्या लिंकेज है, क्या संबंध है, इसे हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि लिंकिंग नंबर केवल तभी चेंज हो सकता है जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। दूसरे किसी भी केस में हम लिंकिंग नंबर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोपोलॉजिकल क्वांटिटी है। ये ट्विस्ट नंबर और रिथ नंबर ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, ये चेंज भले हो सकता है लेकिन लिंकिंग नंबर जनरली चेंज नहीं होता है विदाउट ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इथिडियम ब्रोमाइड के एप्लीकेशन के बाद, यदि इस कंसेप्ट को हम यदि याद रखें, तो इथिडियम ब्रोमाइड तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता नहीं है, यानी ये लिंकिंग नंबर को चेंज नहीं कर सकता, इससे लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड के एप्लीकेशन से फिर होता क्या है? इससे ट्विस्ट नंबर या रिथ नंबर में चेंज आ जाते हैं। इससे ट्विस्ट नंबर ETBI के एप्लीकेशन के बाद ट्विस्ट डिक्रीज कर जाते हैं और इससे रिथ इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग ETBR अप्लाई करते हैं तो इस ETBI के एप्लीकेशन से ट्विस्ट नंबर डिक्रीज कर जाता है और लिंकिंग नंबर को कंपनसेट करने के लिए रिथ नंबर इंक्रीज कर जाता है।